सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पहली बार आप सभी को दिखाने वाला हूं। हां तो दोस्तों, ये सामने से आपको देखने के लिए मिलेगा अप्सरा बॉर्डर आरओबी ब्रिज से लेकर ये स्टार्ट होता है दोस्तों, और ये आनंद विहार आरओबी ब्रिज तक इसका एंड हो जाएगा दोस्तों, जिसमें कि इसकी लंबाई है दोस्तों 1.5 किलोमीटर। तो देख सकते हो यहाँ पर ये आरई पैनल लगाने देने के बाद में इस पर डीबीएम लेयर की इस पर परत लगा दी जा चुकी है। देख सकते हो ये इसके ये जो साइड बॉल के ऊपर जो पैराफिट बॉल है वो बनाने का काम चल रहा है दोस्तों। एक पिलर ये बचा हुआ है, दूसरे पिलर पे देखो ये पियर कैप का काम किया जा रहा है। अभी बीच में भी पिलर बनाया जाएगा और इन पिलरों पे भी देख सकते हो आप लोग तस्वीरें कि इन पे भी पियर कैप बनाने का काम चल रहा है दोस्तों। और ये रेड लाइट है, ये सूर्य नगर की रेड लाइट है दोस्तों। मेरे लेफ्ट में सूर्य नगर है दोस्तों। इससे जैसे ही हम आगे निकलेंगे तो देख सकते हो कुछ पिलरों पे तो पियर कैप का काम हो चुका है, कुछ अभी बाकी बचे हुए हैं दोस्तों। जिसमें से आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इसकी जो लागत है दोस्तों वो है 250 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जा रहा है। 6 लेन फ्लाईओवर ये होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये रेड लाइट की वजह से ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाम का सामना करना पड़ता था। देख सकते हो यहाँ पर ये सेटिंग लगाई जा रही है पियर कैप बनाने के लिए, और यहाँ पर भी देख सकते हो ये सेटरिंग गेजेज बना दिया है इन्होंने। ये देखो ये गेज बना दिया है सेटरिंग का, मतलब सरियाओं को जाल गेज बना कर फिर इस पर आप कंक्रीट भर दिया जाएगा दोस्तों, ये पियर कैप बन जाएगा। और जैसे ही इनका पियर कैप बन जाने के बाद में दोस्तों फिर इन पर गाटर लॉन्चिंग करना ये स्टार्ट कर देंगे, जो कि ये और आपको बता दो दोस्तों, देख सकते हो सारे में ये काम चल रहा है। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये हर साल करीब 115 करोड़ रुपए की बचत करेगा दोस्तों। अप्सरा रेलवे ओवर ब्रिज से लेकर ये आनंद विहार ओवर ब्रिज तक जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और प्रतिदिन आपको बता दूं 1.48 लाख वाहन गुजरेंगे दोस्तों पर डे, ठीक है। एक बार सफर करने पर दोस्तों आप सभी को बता दूं 11.7 मिनट बचेगा आप सभी का, और इसमें से 42,700 घंटे प्रतिदिन आपकी मैन पावर की बचत होगी दोस्तों। इस फ्लाईओवर के बन जाने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 1.50 लाख टन कम होगा। सालाना इसकी 16.57 लाख लीटर ईंधन की भी बचत होगी दोस्तों, और प्रति वर्ष इसमें 144.78 करोड़ रुपए की भी बचत होगी दोस्तों। तो इसके फ्लाईओवर के बन जाने से दोस्तों ये ईस्ट दिल्ली लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला टाइम है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ता था दोस्तों। और आपको बता दूं यहाँ पर देखो ये जो आप लोगों को लेफ्ट हैंड पे ये जो पिलर दिखाई दे रहे हैं, आपको बता दूं यहाँ पर उतरने और चढ़ने के लिए ये रैंप बनाए जा रहे हैं दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो तेज़ी के साथ में यहाँ पर काम चल रहा है दोस्तों, और जो दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी द्वारा इस पर वर्क किया जा रहा है, जो यहाँ पर कंपनी वर्क कर रही है दोस्तों वो है गवार कंस्ट्रक्शन द्वारा इस फ्लाईओवर को बनवाया जा रहा है दोस्तों। 1.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है दोस्तों, अप्सरा बॉर्डर से लेकर और ये आनंद विहार बॉर्डर तक जाएगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो यहाँ पर ये सेटिंग देखो किस तरीके से लगाई जा रही है पियर कैप बनाने के लिए, आप लोग तस्वीरें देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को बता दूं, देख सकते हो ये आगे आ चुका है क्या आनंद विहार आरओबी ब्रिज से पहले ही इसकी एंडिंग हो जाती है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, चलो मैं इसके ऊपर लेकर चलता हूँ कि किस तरीके से इस रैंप को बनाया जा रहा है। और देखो ये आरई पैनल्स को लगाया जा रहा है, लग जाने के बाद में फिर इस पर मिट्टी डाली जाती है। तो काफ़ी सारा काम अभी पेंडिंग में बचा हुआ है दोस्तों, और इसकी 15 महीने की डेडलाइन है दोस्तों, जो कि ये दिसंबर में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो
ये बीच में आ चुके हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि यहाँ पर इस रैंप को बनाने में क्या क्या वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे। तो दिखाते हैं आप सभी को उतर के, देख सकते हो एक साइड में मिट्टी डाली जा रही है, यहाँ पर देखो टीम ये वर्क कर रही है। ये देखो आरई पैनल्स को यहाँ रखा गया, ये आरई पैनल्स लगाए जा रहे हैं साइडों में, फिर इसके बाद में मिट्टी डाल के लेवलिंग की जाती है, फिर इस पर रोड रोलर चलाया जाता है। दोस्तों रोड रोलर आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा, तो चलते हैं आगे के लिए और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और पहली बार मैंने इस वीडियो को शूट किया है दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद में, तो देख सकते हो ये आरई पैनल्स को लगा जाने के बाद में, फिर ये देख सकते हो ये जो पट्टी सी दिखाई दे रही है दोस्तों, ये लगाई जाती है ताकि इसमें बरसात का पानी अंदर ना घुस सके, तो इसी वजह से इसको ये साइड लगाया जाता है ये आरई पैनल्स के ऊपर। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो आप लोग, तो ये आनंद विहार साइड का है और जब हम उधर से गए थे तब आपने देखा ही था, तो उधर का भी आप लोगों को दोनों साइड का मैं दिखा देता हूँ इसमें कि दोनों साइड में क्या क्या वर्क चल रहा है। दोनों साइड में ही आपको बता दूं कि रैंप बनाए गए हैं, एक चढ़ने के लिए दूसरा उतरने के लिए दोस्तों। और ये 6 लेन फ्लाईओवर होने वाला है दोस्तों, रोड नंबर 56 पर ये बनाया जा रहा है आरओबी ये फ्लाईओवर। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, ये उधर की मिट्टी डाल के अभी उधर लेवल नहीं किया गया, एक साइड का लेवल कर दिया गया है और जैसे जैसे इसमें आरई पैनल्स लगाते जा रहे हैं साइडों में वैसे वैसे इसमें मिट्टी डालते चले जा रहे हैं, वो सामने आप लोगों को जेसीबी देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर एक ये पुलिया बनाई गई है गंदे नाले की दोस्तों, तो एक साइड की तो बन चुकी है, दूसरे साइड की अभी बनाई जाएगी, तो अभी यही वर्क चल रहा है यहाँ पर। तस्वीरें देख सकते हो, ये साइडों में देख सकते हो ना कि ये बनाई जा रही है, उधर की बन चुकी है, इधर की अब बनाई जानी है क्योंकि आगे मिट्टी डाल रहे हैं, जब आगे का काम कंप्लीट हो जाएगा तब इधर दूसरी पुलिया बनाई जाएगी दोस्तों, यानी कि पानी निकलने के लिए दोस्तों। तो यहाँ से चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को तस्वीरें यहाँ की दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। देख सकते हो ये आरई पैनल्स को लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, और लगाने के बाद में फिर इस पर मिट्टी डाली जाती है, मिट्टी डालने के बाद में फिर इस पर लेबल किया जाता है, लेबल कर देने के बाद में ये रोड रोलर इस पर मिट्टी को दबाई जाती है, फिर इस पर DBM की लेयर डाली जाएगी, फिर WBM की लेयर डाली जाएगी यानी कि ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है ये अभी अप्सरा बॉर्डर और आनंद विहार के बीच में दोस्तों। देख सकते हो कुछ पिलर ये पियर कैप बन चुके हैं, कंप्लीट हो गए, जिनकी सेटरिंग निकाली जा रही है दोस्तों। जैसे जैसे पियर कैप बन गए हैं वैसे वैसे इनकी सेटरिंग को अब निकाल रहे हैं दोस्तों, हटाया जा रहा है। और देख सकते हो इसमें कुछ इसमें लोहे के गाटर्स लगाए जाएंगे और कुछ इसमें कॉन्क्रीट के गाटर लगाए जाएंगे, तो देख सकते हो ये साइडों में ये लेफ्ट हैंड पे ये पिलर पियर देखने को मिलेंगे आप सभी को। ये आपको बता दूं ये रैंप है यानी कि चढ़ने और उतरने के लिए इस फ्लाईओवर से, क्योंकि भाई 1.5 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर चढ़ने उतरने के लिए रैंप भी दिए गए हैं दोस्तों। ये रामप्रस्थ और सूर्यनगर की रेड लाइट को ये बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी दोस्तों, तो यही वर्क है। तो आप लोग बता सकते हो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत के चैनल पर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। KP संत लाता रहता है और अब आप लोगों को KP संत के चैनल पर पाइड वीडियो देखने के लिए मिलेगी आप सभी को, तो ना देर करते हुए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि और ऐसे ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस KP संत के चैनल पर देखते रहो दोस्तों, अब पेड वीडियो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं थोड़ा सा परेशान चल रहा था, इस चक्कर में वीडियो नहीं आ पा रहे थे चैनल पर, तो अब आप लोगों को पेड वीडियो देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो आगाज हो गया है इस वीडियो से और आप लोगों को पेड इसका वीडियो देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो देखो सूर्यनगर और ये आपका रामप्रस्थ जितने भी यहाँ पर ये आनंद विहार के बगल में जितने भी ये विहार पड़ते हैं उनको सबको इससे संतुष्टि मिलने वाली है दोस्तों। देख सकते हो ये सेटिंग लगाई जा रही है पियर कैप की, आगे देख सकते हो वो
गेज सेटरिंग लगा कर ये सरियाओं का गेज बना दिया, और गेज बनाने के बाद में इस पर कंक्रीट भर दिया जाएगा दोस्तों। जैसे कि इस पिलर में कंक्रीट भरा है, देख सकते हो ना, कंक्रीट भर के फिर ये पियर कैप बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये भी देखो, यहाँ पर भी गेज बनाया जा रहा है, इधर भी ये पियर कैप का ये भी गेज बनाया जा रहा है। तो अभी मतलब कि आधे पिलर बन चुके हैं, पियर कैप बन चुके हैं, आधे अभी बाकी हैं। सेटरिंग देखो ये लगाई जा रही है पियर कैप बनाने के लिए। तो यही कंस्ट्रक्शन वर्क था। तो आप लोग बता सकते हो कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस तो देखने के लिए केपी संत के चैनल पर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को, और केपी संत आप सभी लोगों के बीच में पर डे वीडियोस लाता रहेगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अभी तो NCR के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा था, तो इस वजह से वीडियो आप लोगों को चैनल पर देखने के लिए नहीं मिल रहा था दोस्तों। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पर डे वीडियो देखने के लिए मिले केपी संत के चैनल पर दोस्तों। और नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों, वीडियो कैसा लगा। देख सकते हो यहाँ पर ये लास्ट वाला पियर भी अभी बचा हुआ है, और ये आपको बता दूँ ये अप्सरा बॉर्डर की साइड का ये नज़ारा है। ये वाला रैंप देख सकते हो, जिस पर पैराफिट बॉल लगाने का काम चल रहा है, ये रैंप बन चुका है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते